सबसे पहले बांग्ला नववर्ष की बहुत बहुत बधाई आप तमाम दर्शकों को। बांग्ला नववर्ष के मौके पर आप लोगों का ये वर्ष अच्छा गुजरे, कुशलतापूर्वक आप सारे काम कर सके। आइए खबरों की तरफ जोड़ते हैं आपको। हमारे पास लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है। आपको बता दूं कि आसनसोल में लोकसभा चुनाव को लेकर एक निजी टीवी चैनल की तरफ से डिबेट कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, लेकिन डिबेट के दौरान भाजपा कर्मियों का ये आरोप है कि उन पर टीएमसी कर्मियों ने हमला बोल दिया, इसे लेकर काफी विवाद चल रहा है। आइए दिखाते हैं आपको विस्तार से, लिए चलते हैं खबर की तरफ। रविवार को आसनसोल के एक निजी होटल में एक टीवी चैनल द्वारा आयोजित टॉक शो के दौरान भारी हंगामा पसर गया। भाजपा ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर आरोप लगाया है कि टीएमसी से जुड़े लोगों ने भाजपा कर्मियों पर बेरहमी से हमला किया। घटना की सूचना पाकर भाजपा प्रत्याशी बाबुल सुप्रियो उस होटल में पहुंचे और घायल भाजपा कर्मियों का हालचाल पूछा। बाबुल ने होटल से कुछ दूरी पर बने टीएमसी के चुनावी केंद्रीय दफ्तर को दिखाते हुए कहा कि यहीं से इस हमले की रूपरेखा रची गई थी। अभी आपने देखा कि किस तरह से आसनसोल के एक निजी होटल में निजी चैनल द्वारा आयोजित डिबेट कार्यक्रम के दौरान किस तरह से मारपीट की घटना हुई। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से केंद्रीय मंत्री और आसनसोल के भाजपा उम्मीदवार बाबुल सुप्रियो का यह कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। रविवार रात को आसनसोल के एक निजी होटल में भाजपा और टीएमसी के बीच हुए संघर्ष के बाद आसनसोल का सियासी माहौल बेहद गर्म है। भाजपा और टीएमसी दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। बाबुल सुप्रियो ने रविवार रात की घटना को टीएमसी की गुंडागर्दी करार दिया। सांसद पाँच बचर जो कार्यक्रम जो प्रोजेक्ट सफल भाव से विषय नहीं बोल एंकार जे रखे प्रश्न करते उत्तेजित हुए तृणमूल समर्थक तारा इसे अभद्र भाव गाली गलत शुरू कर टेबिल तुले मारते शुरू कर भयंकर भाव कारण ओरा भय पे कारण विभिन्न जगहते विभिन्न भाव अत्याचार करछे। एमनकि एकटा टीवी शो जेखाने समस्त दलेर प्रतिनिधिरा छिलो सेखाने एसे पर एरकम भावे करा एटा मानुष देखते पाच्छे। तबे हाँ ठीक आछे, तारा निजेदेर संस्कृति देखिए दिल किन्तु आमरा एगिए जाच्छि एगिए जाब, आमादेर मुख बंद करते पारबो ना। आसनसोल के एक निजी होटल में रविवार रात की घटना के चलते भाजपा की तरफ से टीएमसी के गौरव गुप्ता सहित दो लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कराया गया था, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर सोमवार को आसनसोल अदालत में पेश किया। हम लोगों ने सब देखा, ये गुंडागर्दी आसनसोल में नहीं चलने देंगे, रुक जाइए अभी कुछ नहीं कहेंगे। एक नॉर्मल डिबेट का प्रोग्राम हो रहा है, उसमें पूरे तृणमूल के सब लड़के घुस के स्लोगानबाजी करके हमारे जो दो लड़के आए थे डिबेट करने के लिए, हम क्या गुंडे भेजे एक डिबेट प्रोग्राम में 60-70 जन साथ में भेजे क्या गुंडे भेजे, ताकि थ्री स्टार होटल के अंदर एक डिबेट हो रहा है वहाँ पे इस तरीके के हरकत होंगे कि गुंडे भेजे साथ में कि तृणमूल के गुंडे आएंगे उसके हम भी 20 गुंडे भेजे 40 गुंडे भेजे ताकि मारामारी हो तो एक दूसरे का सर फोड़े, ये आसनसोल में हो रहा है। ये सारा चीज़ें जो है आपके यहाँ पे जो घटिया गटर पॉलिटिक्स करने वाले जो आपका नेता है उन्हीं के प्ररोचन में, अब देखिए आगे जाके देखिए क्या होगा। सर नेक्स्ट स्टेप क्या लेंगे अभी सर आपको बताएंगे। भाजपा के इस कदम की मेयर जितेंद्र तिवारी ने घोर निंदा की। मेयर का कहना है कि बाबुल अपने पिछले 5 सालों के असफलताओं को ढकने के लिए आसनसोल के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आर एक बार प्रमाण हलो जो बाबुल सुप्रियो मिथ्येवादी, से कम बयसी दुटो छेले के फसाते चेयेछिलो, आईन व्यवस्थार उपर आमादेर विश्वास छिलो, नन अवेलेबल सेक्शन दियेछिलो, एडवोकेट के दिए एफआईआर टा लिखियेछिलो, एडवोकेट के दिए एफआईआर लिखियेछिलो, ताते जिला प्रेसिडेंट कमप्लेन करेछिलो, तबुओ आज विचारक दुई पक्षेर कथा शोनार पर एदेरके जामिन दियेछेन। এবং যতবার যতবার আসানসোলে ছেলেদের সঙ্গে জীবন নিয়ে যতবার খেলা করার চেষ্টা বাবু সুপ্রিয় করবে ততবার তাকে এই তার এই অবস্থাই হবে। আসানসোলে ছেলেদের ক্ষতি করা যাবে না বাবু সুপ্রিয় বলে
वहीं जिन दो व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया था उनमें से एक गौरव गुप्ता ने बाबू सुप्रियो के इस कदम को हिंदी भाषी जनता के विरोध में उठाया गया कदम बताया। ना हम बम चलाएं, ना गोली चलाएं, ना किसी का मर्डर किया, उसके बावजूद हमारे आसनसोल के सांसद सह केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो हमको झूठा मामला करके फंसा दिए हैं, क्योंकि हम एक हिंदी भाषी हैं और जो भी मेरे साथी जिनका भी लोग नाम दिए सब हिंदी भाषी हैं, और इसलिए हम लोगों पर इस तरह का मामला किया जा रहा था कि हम लोग का भविष्य बर्बाद हो, हम लोग भविष्य में कोई सरकारी नौकरी के लिए हम लोग अप्लाई ना कर सके। आप लोग जानते हैं कुछ दिन पहले यही बाराबंकी में एक हिंदी भाषी युवक जितेंद्र पासवान के ऊपर भी इस तरह से झूठा मामला किया गया और उसको बाबू सुप्रियो खड़ा होकर वहाँ पर उसको पिटवाए लहूलुहान किए हैं। बाबू सुप्रियो जी से हम लोग बोलना चाहते हैं, जो आप लोग का आपका और आपका पूरा पार्टी का मंशा है कि पश्चिम बंगाल में NRC ला के यहाँ से हिंदी भाषियों को बाहर निकालने का, यह मंसूबा आपका कभी कामयाब नहीं होगा। गौरव गुप्ता ने भरोसा जताया कि इस बार के चुनाव में आसनसोल की जनता बाबू सुप्रियो को हरा कर वापस मुंबई रवाना कर देगी। मित्रों, चुनाव की खबरों के बीच एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग ने योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर शिकंजा कसा है। इन पर चुनाव प्रचार पर रोक लगा दिया गया है। आपको बता दूं कि इन लोगों ने विवादित बयान दिए थे और विवादित बयानों की वजह से ही जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती पर चुनाव आयोग ने ये बंदिशें लगा दी हैं और 3 दिनों तक योगी आदित्यनाथ किसी भी चुनाव प्रचार में हिस्सा नहीं ले पाएंगे, जबकि मायावती पर 2 दिनों की बंदिशें लगाई गई हैं और 2 दिनों तक मायावती कोई भी चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगी। ये लागू होगा 16 अप्रैल सुबह 6 बजे से और उसके बाद 3 दिनों तक योगी आदित्यनाथ कोई भी चुनावी सभा को संबोधित नहीं कर पाएंगे, जबकि मायावती पर भी यही बातें लागू की गई हैं। आइए आगे की तरफ चलते हैं। हमारे पास बंगाल से एक और खबर जुड़ रही है। ये खबर आ रही है कि बंगाल के पांडवेश्वर में भाजपा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ये आरोप है कि उनके कार्यकर्ता के घर पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा तोड़फोड़ की गई, मारपीट की गई। आइए देखते हैं। जैसे जैसे आसनसोल संसदीय क्षेत्र में चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है, राजनीतिक हिंसा का दौर भी बढ़ रहा है। आरोपों के मुताबिक पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के शीतलपुर 6 नंबर कोलियरी इलाके में TMC कर्मियों ने भाजपा के उत्तम राम के घर पर बमबाजी की। प्राप्त जानकारी के मुताबिक रामनवमी के उपलक्ष्य पर शीतलपुर में TMC की तरफ से एक शोभा यात्रा निकाली गई थी, मगर इसमें जनता की उपस्थिति बेहद कम थी। TMC का आरोप है कि भाजपा नेता उत्तम राम के निर्देश पर TMC कर्मियों को डरा धमका कर शोभा यात्रा में शामिल होने से रोका गया था, जिसे लेकर दोनों पक्षों में विवाद भी हुआ। इस बाबत भाजपा की तरफ से शनिवार को बनबहाल फाड़ी में FIR भी दर्ज कराई गई थी। निकाल के रात में जो हुआ सा 8 बजे के रात में कुछ लोग आया है, मुँह बंद कर करके घर में आकर के सब तोड़फोड़ किया है, मारपीट किया है। कौन लोग? वही मेरा भाई BJP करता है और लोग TMC वाला होगा। क्या कर तोड़ा? TV तोड़ दिया, पंखा तोड़ दिया, अनबारी तोड़ दिया है, पंखा तोड़ दिया, कंप्यूटर तोड़ दिया है, कुर्सी तोड़ दिया है, गाड़ी तोड़ दिया है, अल्बेस्टर मेरा तोड़ दिया है। बिछाया था? पुलिस आया था लोग के जाने के आधा घंटा का 1 घंटा के बाद। कंप्लेन किया आप लोग? पुलिस आया, देखा, कुछ बोला नहीं, वो लोग देख करके चला गया है। अभी कंप्लेन किया थाना में? थाना में कंप्लेन परसों दिन किया था, कल का दिन में ही, परसों दिन रात में भी किया था ना। कंप्लेन करने के बाद भी ऐसा घटना घटा? हाँ, कंप्लेन करने के बाद नहीं ऐसा घटना घटा। आपका नाम? मेरा नाम रंजीत राम। उत्तम राम के भाई रंजीत राम ने आरोप लगाया कि TMC के कर्मियों ने रविवार रात को उत्तम के घर पर हमला बोला और इलाके में बमबाजी भी की। ঘটে ছিল প্রথম থেকে এখানে দেওয়াল টেওয়াল লেখা আছে, পদ্ম ফুল আঁকা আছে। তো এখানে আমাদের জেলার সদস্য আছে উত্তম রাম, ওর নেতৃত্বে সব করেছিল, নিয়ে অনেকগুলো দেওয়াল লেখা হয়েছিল, তো ওরা অনেকগুলো দেওয়াল মুছে দিয়েছে। কালকে পরশু গত পরশু রামনবমীতে এখানে ওই সেই এসেছিল মেয়র জিতেন্দ্র তিওয়ারি, তো ছেলেগুলোকে মানে ডাকতে বলেছিলেন, লোক যায় নাই, নিজের নিজের কাজে ব্যস্ত ছিল। নিয়ে বলেছে, একজন রিপোর্টিং দিয়েছে যে উত্তম রাম বলেছে লোক বারণ করেছে, তো সেই জন্যে শুনছি নাকি, আমি তো দেখি না, ছেলেগুলো ওইখানে যারা ছিল তাদেরকে বলেছে কোন ইয়ে কিয়া হ্যায় ও উসকো বলো মারকে হাত পেট তোড় দো।
তো সেই দিনই রাত্রে সেদিন হামলা হলো, তো তো দরজা ভাঙতে পারে নাই ওর। কালকে কী হয়েছিল? কালকে আবার সেই চারটে গাড়ি বোলেরো এসেছিলো, সব মুখে সাদা গামছা বেঁধেছিলো, এইখানে বোমা ছুড়লো। সামনে চা দোকান আছে, ওকে রিওয়ার্ড দেখিয়ে দোকান বন্ধ করিয়েছে, সেলুনটা বন্ধ করিয়েছে। সামনে একটা দোকান আছে, গোলদারি দোকান, ওকে রিভলভার দেখিয়ে সব বন্ধ করেছে। তারপর উত্তমরামের বাড়ি ঢুকেছে। উত্তমরাম কে? উত্তমরাম বিজেপি কর্মী? হ্যাঁ, বিজেপি জেলা কমিটির সদস্য আর অন্ডাল মণ্ডলের অবজারভার আছে। হ্যাঁ, তো ওর বাড়ি ঢুকেছে, সব টিভি আলমারি সব ভাঙচুর করেছে। ভাজপা নেতা ঘনশ্যাম রাম নে ইলাকে মে পুলিশ কে তৈনাতি কি মাং কি। ওই টিএমসি কে পাণ্ডবেশ্বর ব্লক অধ্যক্ষ নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কা কহনা হি ইহা এসি কই বারদাত হুই হি নহি অর ইয়ে সব মনগড়ন্ত কাহানিয়া হে। কোথায় হামলা হইছে? শীতলপুরে বলতে শীতলপুর। আসলে এবারের ভোটে বাবুল সুপ্রিয় এন্ড কং জমাতে পারছে না ভোট, ঠিক আছে? পাঁচ বছর আসেনি, পাঁচ বছর এলাকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেনি, এই বসন্তের কোকিলের মতো কুহু কুহু করে এখন এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানুষ মানবে কেন? মানুষ পাঁচ বছর এমপির দেখা পায়নি, ভোট দেবে কেন? তাই নতুন নতুন গল্প চলছে, এখানে ওই করেছে, ওখানে ওই করেছে, কেউ কিছু করেনি। আমাদের দলের স্ট্রিক্ট নির্দেশ আছে, আমাদের একদম আমাদের দলের, যে কোনো রকমভাবে ওদিকে যেন ডিস্টার্ব না করায়, কিচ্ছু না করায়, যে করবে তাকে দল থেকে বার করে দেওয়া হবে একদম। তো সুতরাং আমাদের দলের কেউ ওসব করবে না। হ্যাঁ, ওদের কাছে খবর নিন কী করেছে, আর যদি করেছে পুলিশে এফআইআর করতে বলুন, থানায় ডায়েরি করতে বলুন, একদম পুলিশ প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে। উনি পুলিশে উচিত কারবাই করতে কি মাং কি। খাস বাত কে লিয়ে পাণ্ডবেশ্বর সে সুকান্ত বাগদে কি রিপোর্ট। मित्रों, हमारे पास एक खबर आ रही है तिरुवनंतपुरम से। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस के उम्मीदवार शशि थरूर, जो केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वह जो प्रचार के दौरान वह आज मंदिर गए थे। मंदिर में पूजा के दौरान वह गिर गए और गिरकर घायल हो गए। उन्हें 6 ठाके लगाए गए हैं और फिलहाल स्थिति खतरे से बाहर है, ऐसा बताया जा रहा है। आइए आगे की तरफ चलते हैं। आगे से हमारे पास ये खबर आ रही है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में भूधसान की घटना हुई। काली पहाड़ी इलाके से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ भूधसान की घटना की वजह से लोगों में काफी दहशत है। आपको बता दूं कि भूधसान की घटनाएं आम तौर पर अवैध कोयला उत्खनन की वजह से होता है और इन्हीं वजहों से कई जगह पे भूधसान की घटनाएं अब तक हो चुकी है। इसी क्रम में काली पहाड़ी से एक बार फिर से खबर आ रही है कि यहाँ भूधसान की घटना हुई है और जिससे लोगों में काफी दहशत है। आसनसोल के काली पहाड़ी स्थित शिव मंदिर इलाके में एक बार फिर भूधसान की वजह से लोगों में खासा भय और आतंक का माहौल देखा जा रहा है। भूधसान की वजह से न केवल एक मकान बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है, बल्कि वहां से गुजरने वाले पीडब्ल्यूडी सड़क को भी काफ़ी नुकसान पहुंचा है। सुबह 5:00 में यहाँ धसना, इसी हल के लापरवाही के चलते। क्या इसके पीछे क्या मतलब क्या रीजन है? रीजन है यही कि जिस दिन यहाँ भस्का बरसात में हुआ, बारिश में बरसात में यहाँ भस्का हुआ, इसी हल का आदमी को बोला गया, एजेंट आया, जीएम आया, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया। पानी इन पूरे नदी का पानी इन कर रहा था, इधर 7-8 कुआं है, लेकिन इन किया कुआं, लेबलिंग हो गया, बोला गया तो बोला ठीक है। यहाँ ठिका दिया गया था मुल्ला बोल के काली पहाड़ी में, उसको ठिका दिया गया तो यहाँ का मट्टी काट के यहीं फिलाप कर दिया। हम उसको बोले बाहर से लाके मट्टी फिलाप करो, नहीं किया। आज वही रीजन के चलते एक गरीब भाई का घर धस गया। कितना घर धसा होगा उसमें? ये दो बगल में। अच्छा, रास्ता भी धसी है? अरे रोड भी गई है, डैमेज हुई है। क्या इसका पीछे क्या है? इसका पीछे पंप है या कि पंप है, कोलोरी भी है, रेलवे लाइन भी है। सड़क में आई दरार के बाद स्थानीय लोगों द्वारा यहां से यातायात व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया गया है। महेश कोरी नामक एक व्यक्ति ने बताया कि सुबह जब उन लोगों की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि घर की लगभग सभी दीवारें और फर्श 2 टुकड़ों में बट चुके थे। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थीं, वहीं घर की छत और फर्श में भी दरारों की वजह से 2 टुकड़े हो गए थे। इसके बाद हम लोग घर से बाहर आकर हमने अपनी जान बचाई। পুরো ওয়ার্কশপ ভেঙে পড়ে গেছে, এখন কি হবে জানি না, ব্যবস্থা করুন, দেখা যাক কি ব্যবস্থা করছি। আপনার ওয়ার্কার্সরা আজকে কি কাজ করার ইচ্ছে আছে? না, আজকে কাজ করার কোনো পরিস্থিতিই নেই, কি করে কাজ করবে? এই তো মেশিন পত্র সব বাইরে ফেলে দিচ্ছে। বলছি দায়ী মানে কাকে আপনারা দায়ী মানছেন? দায়ী তো ইসিএল। কেন
ইসরায়েল এখানে এখানে পুরো আগে কিছুদিন আগেই একবার ধস নেমেছিল, রেল লাইনের সময় ধস নেমেছিল, তারপরে ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ কোনো মাথা ব্যথা করে, কোনো অ্যাকশন নেয়নি, কোনো মাথা ব্যথা নেই ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ। বালি ভরাট ঠিক মতন হয়েছে? বালি ভরাটি হয়নি, হয়নি। वहीं गौतम कोयरी नामक एक अन्य स्थानीय युवक ने बताया कि घटनास्थल से महज कुछ मीटर दूरी पर ही रेलवे लाइन है और इससे पहले भी यहां बड़ी भूधसान की घटना घटित हो चुकी है। गौतम ने बताया कि पास में ही ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का 3 नंबर कोलियरी है और वहां से ECL प्रबंधन द्वारा पानी निकासी की जाती है, जिस वजह से अंदर खोखलापन आता जा रहा है। गौतम ने बताया कि इससे पहले भी उन लोगों ने कई बार मिट्टी भराई की मांग ECL प्रबंधन और स्थानीय प्रशासन की थी, लेकिन इस बाबत कोई भी ध्यान नहीं दिया गया, जिस वजह से आज ये इतनी बड़ी घटना घटित हुई। बहरहाल इस घटना की वजह से इलाके के लोगों में खासा भय और आतंक का माहौल है। ख़ास बात आसनसोल। और बंगाल के कुल्टी से हमारे पास एक खबर आ रही है कि कुल्टी में पानी को लेकर, पानी की सुविधा मुहैया कराए जाने को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में स्थानीय विधायक उज्जवल चैटर्जी सहित और भी कई गणमान्य लोग मौजूद थे और सभी ने पानी की समस्याओं को कैसे निपटाया जाए इस पर खास तौर से चर्चा की। आसनसोल नगर निगम के 19 नंबर वार्ड स्थित लोहार पाड़ा के आदिवासी पाड़ा में पानी की समस्या पर एक बैठक हुई, जिसमें कुल्टी के विधायक उज्जवल चैटर्जी विशेष रूप से मौजूद थे। আরে চিন্তা তো সবাই বলছে, আশেপাশে সবাই বলে, সবাই বলে, সবাই মনে করে করে যাচ্ছে ভোট লিখছে মনে। मित्रों, हम बात करेंगे वैशाखी की, लेकिन इससे पहले सूचना दे दें कि हमारे पास उत्तर प्रदेश के रामपुर से यह खबर आ रही है कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने अमर्यादित टिप्पणी की है जयाप्रदा पर। जयाप्रदा भारतीय जनता पार्टी से उम्मीदवार हैं रामपुर से, और इसके बाद जयाप्रदा की तरफ से यहाँ एक FIR दर्ज करवाया गया। FIR दर्ज करवाते हुए कहा गया कि आजम खान जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने अमर्यादित तौर पर टिप्पणी की है और अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है, लेकिन जया प्रदा ने ये बताया कि वह किसी भी हाल में रामपुर को नहीं छोड़ेंगे। ऐसा अगर आजम खान ये चाहते हैं कि मैं रामपुर छोड़कर चले जाऊं, तो ऐसा नहीं होगा, मैं डटी रहूंगी और रामपुर में रहूंगी और यहाँ प्रचार भी करूंगी, ऐसा कहा जया प्रदा ने। और आइए आपको बता दूं कि मैं बता रहा था कि वैशाखी के कार्यक्रम की तरफ आपको लिए चलेंगे। बंगाल के कई हिस्सों में यूं तो बांग्ला नववर्ष के साथ साथ एक दिन पहले चूंकि वैशाखी मनाया जाता है, पंजाब के साथ साथ देश के कई हिस्सों में वैशाखी का त्यौहार मनाया जाता है, यहाँ भी मनाया गया। आइए दिखाते हैं विस्तार से। कुल्टी में वैशाखी का गुरुपर्व मनाया गया, इसमें बड़ी संख्या में सिख धर्म के अनुयायियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर कुमार डूबी पारबेलिया सहित विभिन्न स्थानों से श्रद्धालु जुटे। इस दौरान शब्द कीर्तन हुए, साथ ही परबेलिया गुरुद्वारे के प्रधान सरदार मलकीत सिंह ने एक नए जत्थे का गठन किया जो विभिन्न इलाकों में जाकर लोगों की सेवा करेगा। खास बात कुल्टी। मित्रों, भारत में प्रतिभाओं की कतई कमी नहीं है। इन्हीं प्रतिभाओं की लिस्ट में एक प्रतिभा का नाम है संगीता चटर्जी का। संगीता चटर्जी पेशे से संगीतज्ञ हैं और इस पेशे में उनकी काफ़ी अहमियत है और काफ़ी उन्होंने लोकप्रियता हासिल की है। हमारे संवाददाता प्रिमांशु बैनर्जी ने उनसे खास तौर से खास बात के लिए की बातचीत। हमारे साथ ये मुहूर्ते उपस्थित आछेन संगीता चटर्जी, যিনি আসানসোলের বুকে বলা যায় সঙ্গীতের জগতে বলা ভালো এক ছোটোখাটো বিপ্লব করছেন। তিনি এমন সমস্ত মানুষকে গান গাইতে প্রেরিত করছেন যারা কখনো ভাবেইনি যে তারা গাইতেও পারে। তো আসলে আমরা সঙ্গীতা চ্যাটার্জির কাছ থেকে জেনে নিই যে কী করে এলো এই ব্যাপারটা তার মাথায়, এবং তার ক্যারিয়ার নিয়ে আরও দু চারটে কথা তার মুখ থেকে শুনি। সঙ্গীতা ম্যাডাম, খাস বার্তায় আপনাকে স্বাগত। আপনাদেরকে অনেক স্বাগত, অনেক নমস্কার। এই যে আপনি মানুষকে প্রেরিত করছেন গান গাইতে যারা কখনো ভাবেনি যে তারা গান গাইতেও পারে, এই ব্যাপারটা আপনার মাথায় প্রথম কিভাবে এলো? দেখুন, ছোটোবেলা থেকে গান করে এসেছি, গানের পরিবেশে বড় হয়েছি, গানটা তো ভালোই লাগতো। আর আমার মনে হতো যে গান হচ্ছে এমন একটা
বিষয় এমন একটা গুণাবলীর মধ্যে পড়ে ষোলো কলার মধ্যে, সর্বশ্রেষ্ঠ কলা, যে ঈশ্বরকে খুব সহজে পাওয়া যায় গানের মাধ্যমে। আর যারা গান গাইতে ভালোবাসে তাদের সবাইকে নিয়ে এগিয়ে যায়, নিজে তো গাইছি, তারা যেন আরও ভালোভাবে থাকতে পারে, একটা ভালো পথে মানে চলতে পারে, সেই আশা নিয়ে আমার সবাইকে নিয়ে চলা। আমরা জানি যে আপনি একটি সংস্থাকেও প্রতিষ্ঠিত করেছেন, সংস্থা প্রতিষ্ঠাতা আপনি, সঙ্গীতাঙ্গন। তো এই সঙ্গীতাঙ্গনের বিষয়ে আমাদের দর্শককে একটু জানান। সঙ্গীতাঙ্গন সংস্থা এখানে গান শেখায়, সঙ্গীতাঙ্গন বিদ্যাপীঠ, ছোটো ছোটো বাচ্চা বড়রা সকলে এখানে আসে গান শেখে, আনন্দের সঙ্গে সবাই থাকি আমরা, বিভিন্ন অনুষ্ঠান করি, সবাই একসাথে পথ চলি গানের মাধ্যমে। এবার একটু আপনার সম্বন্ধে জানা যাক, কিভাবে আপনি এই সঙ্গীতের দুনিয়াতে আপনার প্রবেশ ঘটলো, আপনার বাড়িতে কি কেউ আগে এই সঙ্গীত বা শিল্পের সাথে যুক্ত ছিলেন? শিল্পের সাথে যুক্ত সেরকমভাবে কেউ না, বাড়িতে যেমন গানের প্রচলন ছিল, আমার জ্যাঠাতো দিদিরা গান গাইতেন, আমার বাবা গিটার বাজাতেন, দাদাও গিটার বাজায়, মা ছোটোতে পিয়ানো বাজাতো, তো ব্যাস এইভাবেই তারা আমাকে ছোটোবেলায় হারমোনিয়াম তুলে দেয়, যে এক জন্মদিনে আমাকে উপহার হিসেবে হারমোনিয়াম তুলে দেয় আমার হাতে, তারপরে গান শেখা, পথ চলা, খারাপ নয়, যেখানেই যাবেন বাঙালি তো আছি, যে দেশেই যান কেন বাঙালি আছে, বাঙালি এখনও চায় বাংলা গান আরও ভালো হোক, শুনতে চায়। কিন্তু কিছু কিছু মানুষের এখন কালচার হয়ে গেছে যে হিন্দির প্রচলনটা বেশি বা হিন্দি গান শুনতে চায় আজকালকার জেনারেশন, কিন্তু যারা পুরানো গান ভালোবাসে এখনও তাদের মনের মণিকোঠায় বাংলা গান এখনও বেঁচে আছে আর বাংলা গান বেঁচে থাকবেও, এটাই আমার বিশ্বাস। আজকে পয়লা বৈশাখ, তো আপনি খাস বার্তা দর্শকদের জন্য আপনি একটু দু লাইন গাইবেন না তা তো হয় না, কি গাইতে চান আপনি? যদি তোমার ডাকে কেউ না সাড়া দেয়, তুমি একা পথ চলতে পারো, কেউ তো বাধা দেবে না, তুমি একা চলো। তাই কবিগুরুর গানের একখানা লাইন আমি গাইছি, কয়েকখানা গাইছি, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি কেউ কথা না কয় ওরে ও রে ও অভাগা, কেউ কথা না কয় যদি সবাই থাকে মুখ ফিরাই সবাই করে ভয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরাই সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। আমার মনে হয় না এই ডাক শুনে কেউ না এসে থাকতে পারবে। যাই হোক, খাস বার্তার পক্ষ থেকে আপনাকে এবং আপনার এই সঙ্গীতাঙ্গন প্রতিষ্ঠানকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা রইল, এবং আপনাকেও পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা, এবং আশা করি এই বছরটা আপনার জন্য, আপনার প্রতিষ্ঠানের জন্য ভালো কাটবে। আর আমাদের শুভেচ্ছা যে আপনি আরও এগিয়ে যান, আপনার প্রতিষ্ঠান আরও এগিয়ে যাক। খাস বার্তার সাথে কথা বলার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ। আমিও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি, সকল মানুষকে ঈশ্বর যেন আনন্দে ভরিয়ে দেন, সারা বছরটা যেন খুব সুন্দর সকলের কাটে, খাস বার্তার প্রত্যেকটি সদস্য আপনি এবং প্রত্যেকটি মানুষের যেন খুব ভালো কাটে, ঈশ্বরের কাছে আমি এই প্রার্থনা করছি আজকের এই শুভকামনা আজ পয়লা বৈশাখে। मित्रों, उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक और हादसा हुआ। एक 5 साल का बच्चा बोरवेल में गिर गया, 72 फीट नीचे के बोरवेल में गिरा और जिंदगी ऑपरेशन चलाया गया सेना के द्वारा, और इस ऑपरेशन के बाद बच्चे को सफलतापूर्वक निकाल लिया गया, जिससे उसके माता पिता और स्थानीय लोगों ने काफी खुशी देखी गई। आपको बता दूं कि ये बच्चा एक किसान परिवार का था जो अपने माता पिता के साथ खेतों की तरफ गया था, उनके माता पिता खेतों में काम कर रहे थे, इसी वक्त एक गड्ढे में
72 फीट गहरे गड्ढे में वह गिर पड़ा खेलते खेलते और वहां वह अटक गया। तुरंत सेना को और प्रशासन को खबर दी गई और आखिरकार प्रशासन ने ऑपरेशन जिंदगी चलाकर इस बच्चे की जान बचा ली। और आइए आपको आगे लिए चलते हैं रामनवमी की तरफ। रामनवमी का त्यौहार देश भर में काफी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है, मनाया गया, और इसी संबंधित एक झलकियाँ आपको दिखा रहे हैं। बंगाल के कई हिस्सों में रामनवमी का त्यौहार काफी धूमधाम से मनाया गया। इन्हीं के साथ हम लेंगे आपसे इजाजत। नमस्कार।